बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह अब पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं और हमारे मुल्क के अंदर भी, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, इस आलमी वबा से फाइट करने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितना हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना हम इस आलमी वबा को शिकस्त आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो आसानी से इस आलमी वबा से निजात हासिल कर सकता है और इसे शिकस्त दे सकता है। इम्यून सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ विटामिन से जो है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और विटामिन जी है, विटामिन सी है, उसके लिए हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी होगी, और उसके अलावा सी फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसके अलावा लींबू का पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आज से हमने अपने रूम में, यहाँ हम लोगों ने बाकायदे तौर पर यहाँ मछली का इंतज़ाम किया है, हम खुद अपने किचन में बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे इस वक्त मछली जो है यहाँ हम बना रहे हैं, और काफ़ी मेहनत जारी है, और ये आप देख सकते हैं अपने हाथों से बनाने का एक ज़बरदस्त मज़ा यही है कि आप अच्छी तरह इसको वॉश करके बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल हमने ताज़ा मछली बाहर से लेकर आए थे, काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस वक्त सारा बाज़ार भी बंद है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने ये लेकर आए हैं। और यकीन कर लें कि इस तरह के जो फूड्स होते हैं, सी फूड्स, उसके अलावा सब्ज़ियाँ जो हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी हम इसको तैयार करने के बाद, जब हम दस्तरखान में इसको लेकर जाएंगे, तो मज़ीद इसके साथ हमने क्या इंतजाम किए हैं वो भी आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम चीज़ें बंद होने की वजह से बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिली जो हमें इस मछली के साथ उसकी ज़रूरत होती है, उनको भी साथ रात के वक्त अगर आपने खाना है तो उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। चलें फिर जब हम दस्तरखान में लेके जाएंगे तो आप लोगों को उसके मनाजिर भी ज़रूरत। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने तमाम चीज़ें जो हैं दस्तरखान पर हमने सजाई हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ इसको तो सब्र भी नहीं होता है यार, तो सब्र का इंसान बनो। अच्छा जी बिल्कुल, हमने दस्तरखान में यहाँ मछली है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार करके अच्छी तरह पका कर हम यहाँ लेकर आए हैं इसको, और उसके अलावा हमने सलाद में शामिल किए हैं, आप देख सकते हैं गाजर है, और उसके अलावा खीरा और धनिया और पुदीना हमने सलाद में शामिल कर चुके हैं, और साथ साथ हमने ये लेमू भी रखा है, ये हम यहाँ थोड़ा डाल देंगे ताकि जायका मज़ीद बेहतर होगा। उसके अलावा हमने यहाँ इसमें चटनी बनाई है, चटनी के लिए हमने यहाँ धनिया, पुदीना और सिरके के साथ साथ पानी शामिल किया है, और साथ साथ ये ख़त्म कर रहे हैं, मेरे लिए कम बच रहा है, मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है भाई, टेंशन तो होगी ना। अच्छा जी, आप लोगों ने कोशिश करना है कि खासकर इस मुश्किल वक्त में, इस आदमी वबा की वजह से जो परेशानी और टेंशन से आप लोग स्ट्रेस लेते हो पूरे दिन में, तो कोशिश करें अपना स्ट्रेस को कम कर लें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करें, और साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना। इस तरह हफ्ते में एक दिन आप लोगों ने सी फूड से खूब महसूस होना है, उसके अलावा सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मैं कोशिश करूँगा इनसे भी बात करूँ ताकि ये खाने का जो सिलसिला है ना, इन्होंने जो शुरू किया है वो थोड़ा रुक सके। अच्छा जी, आप थोड़ा सब्र करें, इंसान बने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये जो आप अभी कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा कुछ आप ज्यादा बोलने की कोशिश करें ताकि मैं खाना शुरू करूँ ना। नहीं नहीं, जो आप पहले खाया है वो बराबर नहीं है, वो बराबर मतलब है ना, क्यों नहीं है, आपने पहले खाना शुरू किया है, मतलब क्यों नहीं है, खत्म किया है ये नीचे। अच्छा बोले, खत्म नहीं हो रहा है, बहरहाल बहुत है इसके लिए मछली और वगैरह, ठीक है। बहरहाल अभी जो कोरोना उसके हवाले से ये चीज़ें, सब्जी खानी चाहिए, मछली और जो बाकी एहतियात करनी चाहिए इससे, लेकिन साथ साथ खाना चाहिए। एक बंदा बोल रहा है आप शुरू हो गए यार। हाँ जी, असल में खाना सामने आ जाए तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। नहीं बेशक आप खा लेना तो मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, ये खाए तो मुझे इतराज़ होता है। हाँ, उसकी वजह ये है कि आपकी सेहत बन जाएगी, आपको कुछ हुआ तो सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खैर जी, हम इस तरह खूब इंजॉय करते हैं, और यहाँ रूम में सब्जियों के साथ साथ हम इस तरह के सी फूड्स को भी हफ्ते में एक आध दिन बनाकर उससे महसूस होने की कोशिश करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। देखा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन परवरदिगार आलम ने हमें एक ब्रेन दिया है, ये सोचने के लिए दिया है, और अपनी इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तमाम चीज़ें जो हम जहन इसीलिए दिया है।
तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्ट्रेस लेना कम कर लें, इजी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। और ये यार ये कोरोना वोरोना पाकिस्तानी को क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, इजी हो जाए। इस तरह के 50 कोरोना पहले भी आ चुके हैं लेकिन पाकिस्तानी कुछ नहीं भी कर सका है, इजी हो जाए। क्यों शबकत, कोशिश करें कि इससे बचने के लिए आपको जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने मुख्तलिफ वीडियोस में बताते हैं किस तरह आप लोगों ने केयर करना है, वो तो अपनी जगह में है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की भरपूर कोशिश करें। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सिट्रस कम ले लें। इस वक्त हमारा एक दोस्त है वो यहाँ मौजूद नहीं है, नाम ले लूँगा तो बड़ा इशू होगा, नाम नहीं लेंगे, उसको पता है वो इस वक्त बहुत सिट्रस ले रहा है और इतना सिट्रस ले रहा है कि जो कुछ खा रहा है उससे उसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। कभी उसको सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, परेशान बहुत रहता है। तो इस तरह आप लोगों ने परेशान नहीं रहना है। अभी मैं मज़ीद कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सलाद भी ख़त्म हो गई है, चटनी भी एंड पे पहुँच गई है और ये भी मामला बहुत गंभीर बन रहा है। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने मेज़बान। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एहसास टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बता दें यार, बता आपको यूनिक किस्म की हम फुटेजेस वीडियोस लेके आते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी, हर वीडियो को लाइक करें। जी आप क्या करना चाहोगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह फिर एक वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।